सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक दुनिया को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम हाईटेक दुनिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इमेज का इजीली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं अपने पीसी में। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए गाइस आपको पावर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अपने पीसी में। आप सिंपल से अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लीजिएगा और अब जैसे आप अपना पावर पॉइंट ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सी स्लाइड पे राइट क्लिक करना है, लेआउट के ऑप्शन पे जाना है और ब्लैंक चूज कर देना है। और इस स्लाइड को आप डुप्लीकेट भी कीजिएगा। और फर्स्ट स्लाइड में हम इंसर्ट करने वाले हैं वो इमेज जिसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल गाइज मुझे इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है और मुझे ये जो आदमी आपको दिख रहा है इसे मुझे इस इमेज पे लाना है सक्सेसफुली, तो मैं कैसे लाऊंगा? तो गाइज हमें सिंपल से अपने इमेज को ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फॉर्मेट नाम का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको क्लिक करना है। और फर्स्ट ऑप्शन होगा रिमूव बैकग्राउंड नाम का, इस पर हमें क्लिक करना है। और आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा या फिर पर्सन होगा इसे आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको जो बैकग्राउंड रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी आपके लिए। तो ये देखिए गाइस मैं इसे कर रहा हूँ। आप हम देखने वाले आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी जगह है जो अभी बाकी है रिमूव की। तो इसके लिए हमें मार्क एरियाज टू रिमूव पे क्लिक करना है और उन उन जगहों को क्लिक करना है कुछ इस तरीके से जो बची हुई है उनका बैकग्राउंड रिमूव होने से रह गए हैं। तो मैं रिमूव करता हूँ गाइज और तब तक के लिए मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी एरियाज थे वो रह गए थे बैकग्राउंड रिमूव करने के वो हो चुके हैं, लेकिन इनमें से और ऐसे कुछ एरिया है जो इस ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन के ऊपर आ चुके हैं, तो आप कैसे उसे रिमूव करेंगे? तो हम मार्क एरियाज टू कीप पे क्लिक करेंगे और आप ये देख सकते गाइज ये भी रिमूव होने वाला है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर इसके शूज़ भी जा रहे गाइज, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा रह गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा रह गया गाइस। तो गाइस फाइनली मैंने अपना पूरा बैकग्राउंड जो है रिमूव कर लिया है, सिर्फ ये आदमी दिखने वाला है अभी। तो हम कीप चेंजेस पे क्लिक करने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसका बैकग्राउंड सक्सेसफुली रिमूव कर लिया है। अभी हमें छोटा सा काम बाकी है कि इस ये जो आपको आदमी दिख रहा है इसे हम यहाँ पे कैसे लाएं, इसका बैकग्राउंड चेंज कैसे करें। तो इसके लिए हम इसे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल भी दबा के भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस अपने हिसाब से आप इसे सेट कर लीजिए कहाँ कैसे आपको इसे बैकग्राउंड रखना है। तो इसे सेव करने के लिए आपको स्लिपिंग टूल ओपन कर लेना है अपना पीसी का, न्यू पे क्लिक करना है और इसे स्लिप कर लेना है कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पे ये कॉपी अपने आप हो जाता है, लेकिन अब हमें सेव करना है तो यहाँ पे इसके बाजू में सेव एज का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और मैं इसकी लोकेशन डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, आप कहाँ पे भी इसे सेव कर सकते हैं। इसका मैं नाम डेमो दे देता हूँ और चलिए गाइस देखते हैं हमारी सेव्ड इमेज। तो ये देखिए गाइस हमारा सक्सेसफुली बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपल से गाइस आपको थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ती है इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो ऐसे आप अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं इसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।